are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. नवंबर के आखिरी हफ्ता से क्रिसमस की आमद का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है, यानी पहले जो आखिरी इतवार है नवंबर का उससे. सो अब वक्त है हमारे पास कि हम खुदा के कलाम को मसीह यस्सू की पैदाइश के ताल्लुक से सीखना शुरू करें. आमीन. सो आज से जो हम एक सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं वो रूहुल कुद्स के पावर का है, करेक्टर का है, जो यीशु मसीह के तजस्सुम होने या पैदा होने के सीज़न में रूहुल कुद्स अदा करता है. सो इट्स सच इम्पॉर्टेंट कि हम इसे समझें कि रूहुल कुद्स किस तरह से यीशु मसीह के इस सीज़न में करदार अदा करता है. सो नंबर वन, अगर हम इस कंसेप्ट को या इस स्टडी को जो होली स्पिरिट की है क्रिसमस की स्पिरिट से अलग कर दें, इस सीज़न से अलग कर दें, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हमें यस्सू के तजस्सुम की अंडरस्टैंडिंग हो. क्वाइट डिफ़िकल्ट. यहाँ तक कि जब भी क्वेश्चन हुआ है यस्सू मसीह की पैदाइश का तो रूहुल कुद्स का ज़िक्र हुआ, क्योंकि पहले ही से ये बात कही गई थी कि रूहुल कुद्स जो है वो हिकमत का, खिर्द का और फाजल का रूह है. रूहुल कुद्स जो है वो नॉलेज देता है और आंसर. यीशु ने खुद भी कहा कि रूहुल कुद्स तुम में से बोलेगा और वो जवाब देगा. जिन बातों का तुम्हें नहीं जवाब देना आता, नहीं पता, होली स्पिरिट आएगा, रूहुल कुद्स आएगा, रूहुल कुद्स आपको अंडरस्टैंडिंग देगा. और रूहुल कुद्स ही, होली स्पिरिट ही यीशु के बारे में राइट अंडरस्टैंडिंग देता है, वरना बहुत सारी चीज़ों का सवाल सवाल ही रह जाए, वो हमेशा के लिए दुनिया में एक क्वेश्चन रह जाए. लेकिन होली स्पिरिट को खुदा ने इसलिए भेजा है कि वो हमारी रहनुमाई करता है, हमें बताता है कि हमें क्या जवाब देना है. इसी सीज़न को हम क्रिसमस के अंदर भी देखते हैं कि रूहुल कुद्स जो है वो यही किरदार अदा कर. मुकद्दसा मरियम कहती है हाउ, कैसे होगा, फरिश्ता उसे होली स्पिरिट के बारे में बताता है. यूसुफ जो है वो डिस्टर्ब है, ये क्या हुआ है, वो उसे ख्वाब में आके कहता है ये रूहुल कुद्स की कुदरत के सबब से है, देर इज़ द होली स्पिरिट. और बहुत सारे रसूल हैं, दे डोंट नो हाउ टू डू इट, होली स्पिरिट. जब यीशु मसीह ऊपर चले गए हैं, आसमान पर उठा लिए गए हैं, तो शिगिर्दों को नहीं पता उन्होंने क्या करना है, रूहुल कुद्स सीधे पेंतिकोस्ट के रोज़ उनकी ज़िंदगी में दाखिल, देर इज़ द होली स्पिरिट. आपकी लाइफ में जहाँ मिसिंग पॉइंट है, लॉस्ट पॉइंट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, यू नीड होली स्पिरिट. आज दुनिया को भी रूहुल कुद्स की ज़रूरत है यीशु को समझने के लिए, क्योंकि रूहुल कुद्स जो है वो मुकाशफात को खोलता है हमारी ज़िंदगी में. सो यीशु को हम सिर्फ इल्म के ज़रिए नहीं जान सकते, नॉट बाय जस्ट नॉलेज. कई मरतबा लोग कोशिश करते हैं कि हम यीशु को नॉलेज के ज़रिए जान सकते हैं, एंड दे गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज, नॉलेज, और बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे या बहुत सारे लिटरेचर पढ़ेंगे या बहुत सारा रिसर्च करेंगे यीशु के बारे में, दे थॉट के नॉलेज हमें यीशु तक लेके जाए. बट रिमेंबर, दुनिया में बहुत सारे ऐसे मजहब के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ने से यीशु नहीं मिला, उन्होंने यीशु के बारे में कभी नहीं पढ़ा, लेकिन रूहुल कुद्स ने उन पर यीशु का मुकाशफा खोला है. यानी होली स्पिरिट जो है वो यीशु के मुकाशफा को चर्च में रिलीज करता है या रिवील्ड करता है, खोलता है, जारी करता है. इसलिए रूहुल कुद्स जो है वो क्रिश्चियन लाइफ में और क्रिसमस सीजन में इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है. सो पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, रूहुल कुद्स सिर्फ ना नज़र आने वाली कुवत नहीं है. समटाइम हमें लगता है कि होली स्पिरिट एक कुवत है, रूहुल कुद्स की आग आए, रूहुल कुद्स का जोर आए, रूहुल कुद्स की आंधी आए, रूहुल कुद्स का मसा आए, और हम ये समझते हैं कि ये एक कुवत है जो दुश्मन को और अबलीस के कामों को बर्बाद कर सकती है. सो आई डोंट से दैट कि वो कुवत नहीं है,
लेकिन इससे बढ़कर मैं ये कहना चाहता हूं, रूहुल कुद्स एक शख्स है, पर्सन है और पर्सनैलिटी है। जैसे खुदा एक पर्सन है, रूहुल कुद्स भी एक पर्सन है, बेटा भी यीशु मसीह भी एक पर्सन है, एक शख्स है। और रूहुल कुद्स को कुव्वत से बढ़कर कहीं ज्यादा हम एक शख्स के तौर पर अंडरस्टैंड कर, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील 4:24 आयत में लिखा है, खुदा रूह है। खुदा क्या है? और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। आमीन। होली स्पिरिट क्या है? पर्सन है। खुदा क्या है? रूह। किस तरह से मुतारफ करा रहे हैं रूहुल कुद्स को बाइबल मुकद्दस? खुदा रूह है। आमीन। खुदा क्या है? रूह है। रूह नजर नहीं आता लेकिन वो है, खुदा रूह है, पर्सन है। इसी तरह बेटा भी है, वो भी एक शख्स है, और खुदा भी एक शख्स है, एक पर्सनैलिटी है, वजूद रखता है, उसकी एक जात है जिसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो एक और बड़ा कंफ्यूजन पाया जाता है दुनिया में, लोग कहते हैं कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स ये तीनों मिलकर मुजस्सम हुए हैं, और उस तजस्सम का नाम जो है वो यीशु है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कितनी पर्सनैलिटी, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स तीनों मिलकर एक में मुजस्सम। ऐसा नहीं है, बाप खुदा बाप की पर्सनैलिटी है, रूहुल कुद्स की पर्सनैलिटी है, बेटे की पर्सनैलिटी है। जैसे रूह है, बाप है, वैसे बेटा भी है। और बेटा जो है वो मुजस्सम हुआ है। यू अंडरस्टैंड इट? खुदा ने अभी जिस्म इख्तियार नहीं किया। किस फॉर्म में उसने जिस्म इख्तियार किया है? बेटे ने जिस्म इख्तियार किया है, बेटे ने जिस्म इख्तियार किया। आप समझ रहे हैं? बेटे ने जिस्म इख्तियार किया, तजस्सम लिया है, और बेटे की सूरत में वो हमारे लिए कुर्बान होता है, सैक्रिफाइस होता है, और हम उसके वसीला से निजात पाते हैं। आमीन। और बेटे को कैसे बयान किया जाता है? कलमा मुजस्सम हुआ। क्या कहा जाता है जी? कलमा। और बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी में जो कलमा है उसका मतलब एक अबारत या लफ्जों का मजमुआ या जुमला है। हम उसे कहते हैं ये एक कलमा है, ये एक लाइन है, ये एक अबारत है, ये एक लफ्ज है जिनके बारे में हम कह सकते हैं ये एक कलमा है। लेकिन जब यीशु के बारे में बात होती है कि वो कलमा है, तो वो किसी अबारत या लफ्जों से हटकर है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जब कहा जाता है कलमा मुजस्सम हुआ, तो वह समझते हैं कि खुदा के जो लफ्ज हैं वो मुजस्सम हुए हैं। बट रिमेंबर, इससे ज्यादा बढ़कर आपको यह बताना चाहता हूं कि यह कलमा जो है यह एक शख्स है, और उसका नाम यीशु है, और वो खुदा का बेटा है जो मुजस्सम हुआ है, और उसका हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। आमीन, आमीन। और ये वो टेक्निकल मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे लोग जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करते। होली स्पिरिट इसको रिवील्ड करते, रूहुल कुद्स जो है वो हमारी अकलों और जहनों को खोलता है कि हम पूरे तौर पर इसे समझ सकें। सो चंद एक हवाला जात मैं आपके सामने इब्तदाई तौर पर रखना चाहता हूँ, फिर हम इसकी सीरीज़ का आगाज जो है वो बकायदा तौर पर करेंगे। चंद एक बातें कि किस तरह से यीशु मसीह की इस तजस्सम की ज़िंदगी में रूहुल कुद्स जो है वो काम करता है। अमाल 10:38 में लिखा है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया। आमीन। इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। जिस सीजन में हम दाखिल हो रहे हैं, जिस यीशु को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जिसकी पैदाइश को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उसको खुदा ने रूहुल कुद्स से मसा किया होगा। किससे मसा किया होगा? रूहुल कुद्स से, होली स्पिरिट से। और फिर लूका 4:18 में लिखा है, खुदावंत का रूह मुझ पर है
इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। आमीन। कभी भी आप मसा को और रूहुल कुद्स को सेपरेट नहीं देखेंगे। जहां मसा है वहां पर होली स्पिरिट जुम्बश करता और यीशु मसीह मसा किया हुआ है, वो मसा है, इनॉइंटेड है, और इसलिए उसके साथ रूहुल कुद्स जुड़ा हुआ है और हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। इसलिए सीजन में हमें रूहुल कुद्स की जरूरत है कि वो अंडरस्टैंडिंग दे। जैसे मुकद्दसा मरियम को समझने के लिए जरूरत थी और उसको होली स्पिरिट दिया गया। इन 9 महीनों में उसे जरूरत थी हर सवाल और हर चैलेंज को पूरा करने के लिए, उसे होली स्पिरिट दिया गया, होली स्पिरिट दिया गया। फिर लूका 1 बाप और उसकी 35वीं आयत में लिखा, और फरिश्ता ने जवाब में कहा कि रूहुल कुस तुझ पर नाजल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। कब से बेटा कहलाएगा? मुकद्दस कब से कहलाएगा? मालूद से, मालूद पदाइश से। वरना हम बच्चों को कहते हैं 40 दिन तक छिले चिने, अभी नपाकी की हालत में है, अभी 40 दिन तक ये नपाक है, लेकिन वो कहता है कि वो पहले दिन से ही मुकद्दस कहलाएगा, वो पाक होगा क्योंकि खुदा ताला की कुदरत उस पर और रूहुल कुद्स नाजल होगा, होली स्पिरिट से भरा होगा। आमीन। इतनी पाकीज़गी की हद हो गई। सो दुनिया में किसी की ऐसी पैदाइश नहीं हुई, जो भी पैदा हुआ है उसे 40 दिन उसकी मां को और उसे नपाकी की हालत में रहना पड़ा, लेकिन यीशु मसीह है जो मालूदे मुकद्दस है, पैदा होते ही पाक तरीन है क्योंकि वो पाक है, क्योंकि वो खुदा है। आमीन। सो रूहुल कुद्स जो है वो इस वक्त भी फरिश्ता कह रहे हैं कि वो मौजूद होगा। फिर एक और पॉइंट, मत्ती की अंजील 1 बाप और उसकी 20वीं आयत लिखे, वो इन बातों को सोच ही रहा था, यानी यूसुफ सोच रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आई यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। आमीन। यूसुफ को भी क्या जवाब मिले? होली स्पिरिट। क्या जवाब मिले? होली स्पिरिट। वो क्या अंडरस्टैंड कर रहा था? मिसअंडरस्टैंड कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था, और उसे फरिश्ता ने कहा होली स्पिरिट, और वो समझ गया होली स्पिरिट। और मरियम कह रही है हाउ इट कैन बी, मैं किसी मर्द को नहीं जानती। फरिश्ता क्या जवाब दे रहा? होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, खुदा की कुदरत, रूहुल कुद्स आएगा एंड यू विल बी डू इट। और मैं आपको बताऊं, इस टाइम में यहूदी हिस्ट्री बताती है कि मुकद्दसा मरियम की उम्र जो है वो 14 साल से प्लस थी, और जो यूसुफ है वो ऑलमोस्ट 15-16 साल का है। हमारी गवर्नमेंट के मुताबिक 18 साल की उम्र जो है वो मैरिज के काबिल है, और ये उम्र जो है बड़ी टीन एजर है, और इस उम्र में वो रूहुल कुद्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। वह इस सवाल का जवाब उन्हें मिल रहा है होली स्पिरिट, एंड दे नो इट। उन्हें पता है कि रूहुल कुद्स उनके ज़ेहन को खोल देगा, एंड दे नो इट। कैसी स्ट्रेंज बात है कि यूसुफ जो है वो वरीड है कि उसकी बीवी जो उसके पास अभी नहीं आई, वो हामला हो गई है, और मे बी जो आज का नौजवान हो वो मुक्के कसता हो कि मुझे वो नाम मिल जाए और मैं उसको मारूं और कत्ल कर दूं, वो कौन है जो मेरी बीवी के पास गया। एंड देयर इज द ओनली वन आंसर, होली स्पिरिट। वो पाक है, रूहुल कुद्स की कुदरत है, और तू अपनी बीवी को अपने यहां लाने से ना डर और उसे ले आ, एंड दैट्स ऑल। और यूसुफ सेटिस्फाइड हो गया। क्या आप रूहुल कुद्स के इस मुकाशफा तक पहुंच गए हैं चर्च के खुदा आपको ये आंसर दे होली स्पिरिट और आप अंडरस्टैंड हो जाए? हमें तो अभी बपतिस्मे की समझ नहीं आई, अभी हमें चर्च में दुनिया में बपतिस्मे पे सवाल है,
कैथोलिक कुछ और समझते हैं, सल्वेशन आर्मी कुछ और समझते हैं, एआरपी वाले कुछ और समझते हैं, पेंटिकोस्टल्स की तालीम कुछ और है, हर कोई अलग अलग बयान कर रहा है। कोई कह रहा है बचपन से बपतिस्मा ले लें, कोई कह रहा है बड़े होके लें, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। अभी हमें इब्तदाई बातों पर क्वेश्चन है, हम रूहुल कुद्दस की मामूरी तक कैसे पहुंचेंगे। चर्च को कहा गया है कि आखिरी दौर में रूहुल कुद्दस तुम पर नाजल होगा और वो तुम्हें भेद बताएगा, मुकाशफात बताएगा। आप मुकाशफात तक कैसे पहुंचेंगे? अभी आप इब्तदाई बातों में क्वेश्चन में हैं। अभी आपके लिए बपतिस्मा सवाल है, आपके लिए गैर जुबान सवाल है, आपके लिए गैर जुबान का तर्जमा सवाल है, आपके लिए नबूवत एक सवाल है, आपके लिए मौजजात सवाल है, आपके लिए क्रूसेड सवाल है, आपके लिए शिफा एक सवाल है, आपके लिए बदरुओं का निकलना एक सवाल है। सोशल मीडिया पर देखें, कोई कहता है क्रूसेड क्या होते हैं, कोई कहता है ये शिफा क्या होती है, ये मौजजात क्या होते हैं, ये पानी का बपतिस्मा क्या होता है। अभी आप बाप बेटा रूहुल कुद्दस के मुकाशफा को नहीं समझते, अभी आप तसलीस के उस नौयत तक नहीं पहुंचे कि उसे अंडरस्टैंड करें, तो फिर आप रूहुल कुद्दस की कुदरत को कैसे समझेंगे जो आखिरी चर्च को मुकाशफा से भरना चाहता है। सो पालूस कहते हैं क्या, हम इब्तदाई बातों को छोड़कर अब हम कमाल की तरफ बढ़े, आगे की तरफ जाए, परफेक्शन की तरफ जाए, बालक होने की तरफ जाएं। वक्त के लिहाज से हमें उस्ताद होना चाहिए, लेकिन चर्च में आने वाला 40 साल का बाबा या 50-60 साल का बाबा, उसे अभी दुआ करनी भी नहीं आती। उसकी दुआएं जिंदगी सवाल है, उसका 40 साल में चर्च में आना और तालियां बजाना उसके लिए सवाल है कि अभी उसे दुआ करनी नहीं आती, उसे तालियां बजाते हुए शर्म आती है, तो वो कैसे बालक होने तक पहुंचेगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारी ड्यूटी जो है वो सिर्फ चर्च में जाना, बैठना और सफाई करना है, दैट्स इट। सानू कलाम ना की लगे ना समझना है, ये ना बेहतर बस झाड़ू पोछा करो तो वापस आ जाओ। कुछ लोग चर्च में झाड़ू पोछे के लिए जाते हैं, अह वाह मेरी ड्यूटी लगी है चंदा चुकना, उथे कितने जावे हे चंदा नहीं चुकया ना, देर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन खुदा चाहता है कि वो हमें रूहुल कुद्दस नाजल करे और हम यीशु के मुकाशफा से भर जाए, हम अंडरस्टैंड कर जाए यीशु मुकाशफा है। इसलिए बहुत सारे लोग यीशु की पैदाइश से हैरान हैं और उसके जी उठने पर वो हैरान है, इसलिए वो कहता है उसका आना भी अजीब है और उसका जाना भी अजीब है, क्योंकि वो अजीब मशीर खुदाए कादर और अब्दियत का बाप और सलामती का अजीब है, उसका पैदा होना अजीब है, कवारी का हमला होना अजीब है और यूसुफ का उसे लेके आ जाना जमाने के लिए अजीब है। लेकिन वो खुदा है जो अपनी कुदरत को दिखाता है, लेकिन रूहुल कुद्दस के वसीला से वो अजीब काम करता है। आमीन, अजीब काम करता है। और ओल्ड टेस्टामेंट में भी रूहुल कुद्दस का इस लाइफ के साथ अटैचमेंट का जिक्र हुआ है। यसाया 11 और उसकी दूसरी आयत में लिखा, और यस्सी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह और कुदरत की रूह और मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। और यसाया 42:1 में लिखा है, देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली, वो कौमों में अदालत जारी करेगा। आमीन, आमीन। वो कौमों में क्या करेगा? अदालत को जारी करेगा। सो दिस इज द करेक्टर of the Holy Spirit, जो वो इस incarnation के season में जारी कर रहा है। So रूहुल कुद्दस जो है वो बहुत ज़रूरी है, you must understand it। आपने देखा कि शिगिर्दों ने नए अहदनामा में बहुत तेज़ी से काम किया, बहुत तेज़ी से। और अभी मैंने आपको हाल ही में ग्रेजुएशन में एलिया के बारे में बताया,
कि किस तरह से अखियब जो है वो अपने घोड़े पर सवार होके अपने महल में जाता है, क्योंकि एलिया जो है वो दुआ करता है कि बारिश और बादल आ जाते हैं और वो उसे कहता है कि तू जा, और जब वो अपने घोड़े पर सवार होके तेज़ी से जाता है, क्योंकि वो उस दौर का बादशाह था और उसके पास बेहतरीन घोड़ा था, वो तेज़ी से जाता है, लेकिन वहाँ पर लिखा है कि एलिया पर खुदा का हाथ बढ़ा और वो दौड़ा और वो अखियब से भी पहले महल में पहुंच गया, क्योंकि खुदा का हाथ उस पर था। यू अंडरस्टैंड इट? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि खुदा आखिरी दौर में रूहुल कुछ समय क्यों देना चाहता है? वो पहले से जानता है कि दुनिया में जिद्दत है, दुनिया तेजी से आगे जाएगी। आप अगर सोचते हो कि शायद चर्च में बहुत स्मार्ट जदीद टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए जैसे दुनिया में है, दुनिया जैसे प्रवास कर रही है तेज़ी से, मैं आपको बताऊं, आप चर्च के अंदर स्मार्ट टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स और बहुत सारी चीज़ें, आंखों और पलकों से छपकने वाली ऐसे लगा लें आपके जो आपको आंसर दे। बट रिमेंबर, जब तक रूहुल कुद्स आपके चर्च में नहीं होगा, आप कभी भी इस दौर का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए खुदा जो है वो आपको एंड चर्च को रूहुल कुद्स से भरना चाहता है, इसलिए वो रूहुल कुद्स से भरना चाहता है। सो रूहुल कुद्स का पहला काम, राइट इट। अब हम इस सीजन को शुरू करने लगे। पहले मैंने आपको तारुफ करवाया कि कहां कहां क्या क्या वर्सेस लिखी हुई हैं। सो नंबर वन, आई जस्ट टेल यू, रूहुल कुद्स का काम जो है वो हमें तालीमी तौर पर अंडरस्टैंडिंग देना है। ये आपको हर जगह नहीं मिले। कुछ लोग तो ऐसे जो रूहुल कुद्स के नाम से भी वाकिफ नहीं है, वो कह सकते ये होली स्पिरिट क्या है, ये पाखरू क्या होती है, ये क्या है। ये पाखरू है जो हमें मुकाशफा देती है और खुदा के बारे में, यीशु के बारे में ट्रू अंडरस्टैंडिंग देती है। हम इंसानों के इलम से नहीं समझते कि मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको समझ आती जा रही है, या कोई और आपको समझा रहा और समझ आ रही है और उसका इलम इतना बड़ा इलम है कि उसने इलम तो फरिश्तों के पास भी है, शैतानी फरिश्तों के पास भी है, शैतान के पास भी इलम है, अबलीस के पास भी इलम है। सो चर्च सिर्फ इलम से भरा हुआ नहीं है, चर्च रूहुल कुद्स से भरा हुआ है। चर्च सिर्फ इलम से मुकाबला नहीं करता, चर्च मुकाशफा से मुकाबला करता है और अबलीस को शिकस्त दे देता है, चाहे वो कितना भी हिकमतदान बने। आमीन। सो रूहुल कुद्स जो है वो, यीशु भी कह रहा है कि वो तुम्हें भेद की बातें बताएगा, रिवील्ड करेगा, मुकाशफा देगा। सो रूहुल कुद्स का पहला काम है कि इस पदाइश के अमल में वो मुकाशफात को जारी करे। आमीन। आप ये दुआ करें इस क्रिसमस सीजन में बहुत सारी गैर कौमों में रूहुल कुद्स का मुकाशफा नाजल हो। जब भी रूहुल कुद्स से आप भरेंगे, आप यीशु के करीब आ जाएंगे। जब भी रूहुल कुद्स आप पर आएगा, आप यीशु के कदमों में आएंगे। रूहुल कुद्स जब भी नाजल होगा, आप यीशु को समझ जाएंगे कि वो अजीम है और वो खुदा है और वो मेरे लिए बड़े बड़े काम करता और उसने मेरे लिए फिदिया दिया है। आमीन। इसलिए वी नीड होली स्पिरिट, वी नीड होली स्पिरिट, वी नीड होली स्पिरिट। और अगर आपके भाई ने निजात नहीं पाई, होली स्पिरिट। अगर किसी को समझ नहीं आई यीशु कौन है, होली स्पिरिट। अगर आपकी बेटी को समझ नहीं आया, होली स्पिरिट। अगर आपके चर्च में कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा यीशु का, होली स्पिरिट। लेट्स प्रे। हमें दुआ करनी है रूहुल कुद्स नाजल हो, खुदावन रूहुल कुद्स नाजल हो। वो जो इनकार किए हुए थे और उन्हें यीशु की समझ नहीं आ रही थी, ये तो कह रहा था कि मैं अबदी जिंदगी हूँ, मैं हमेशा की जिंदगी हूँ, मुझसे मांग तो मैं तुझे जिंदगी का पानी दूंगा, और उसने मुर्दे जिंदा किए और सारे कंफ्यूजन में थे। शकीर सोच रहे थे हम किसके पीछे लग गए, हम तो सोच रहे थे कि वो कभी मरेगा नहीं, वो तो हमें भी जिंदा रखेगा और हम कभी नहीं मरेंगे। हमने ये कलाम देखा, हमने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा। यीशु चला गया और वो इंतहाई ट्रॉमा में थे, वो इधर उधर बहक रहे थे, लेकिन एकदम वो साथ इकट्ठे हुए और 120 मिलकर दुआ कर रहे थे, और उन सबको जो मिसअंडरस्टैंड थे, सडनली लिखे एक तेज आंधी की तरह सन्नाटा हुआ और फटती हुई जुबानें नाजल हुई और रूहुल कुद्स उतर गया, और वो सब जो बेसमझी की बातें कर रहे थे और इनकार कर रहे थे, वो बाहर निकले और वो बोलना शुरू हो गए, और लोग हैरान हो गए, इतनी अलग अलग जुबानें बोलने वाले कि ये मेरी जुबान बोल रहा है, ये मेरी जुबान बोल रहा है, ये मेरी जुबान बोल रहा है। और वो हैरान थे कि
यह अपनी जुबान भी दुरुस्त नहीं बोल सकता था, ये तो बड़े का काम, ये तो मछेरा था, लेकिन रूहुल कुद्स आया और उसने उनकी बोली बदल दी, उनके अंडरस्टैंडिंग बोल दी और सब कुछ तब्दील कर दिया। एंड आई वांट टू टेल यू, शायद हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर या डॉक्टर हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मुकाशफा लाएगा, लेकिन याद रखें अगर आपकी जिंदगी में रूहुल कुद्स है तो उससे बड़ा मुकाशफा कोई नहीं ला सकता। रूहुल कुद्स इल्मियत, हिकमत, खिर्द, फाजल से भरा हुआ है जो मुकाशफा को उतारता है हमें। इसलिए वी नीड होली स्पिरिट, वी नीड होली स्पिरिट, वी नीड होली स्पिरिट। सो पहला स्टेटस ये मैं दे रहा हूँ कि रूहुल कुद्स हम पर मुकाशफा खोलता है। हालेलुया। रूहुल कुद्स हमें एक्नॉलेज करता है, रूहुल कुद्स हमें विजडम देता है, रूहुल कुद्स हमें आरास्ता करता है कि हम अंडरस्टैंड करें खुदा की कुदरत को और उसके इस अजीब काम को कि उसने किस तरह किया है, किस तरह किया है। अगर आपके जहन में सवाल है खुदा बाप कैसे है, बेटा यीशु कैसे है और रूहुल कुद्स कौन है, यू नीड होली स्पिरिट। अगर आपको ये सवाल है कवारी कैसे हमला हो गई है, ये कैसे हो सकता है, बायोलॉजिकल कैसे है, दुनिया के साइंसदान परेशान है, ये कैसे होता है, यू नीड होली स्पिरिट। जो इंसान से नहीं होता वो खुदा के रूह से होता है, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान होगा, तेरे रूह से हो जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से जिंदा खुदा, उसके रूह से हो सकता है, उसके रूह से हो सकता है। सो इन द चर्च, इन द क्रिसमस, वी नीड होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। और आपको बहुत सारे क्रिसमस पे वर्ड नजर आते हैं, जॉय, पीस, राइट, शादमानी, फिर आपको नजर आता है अमन, पीस, राइट, सेलिब्रेशन, ये सारे रूहुल कुद्स के फल है। खुशी, शादमानी, ये रूहुल कुद्स का फल है। पीस रूहुल कुद्स का फल है। आमीन। मुकाशफा रूहुल कुद्स की कुदरत है और वो नाजिल करता और लोगों पर खोलता है अपने मुकाशफात को। आमीन। सो इसलिए हमें रूहुल कुद्स की जरूरत है ताकि हम प्रॉपर खुदा को समझें। एंड रिमेंबर, एक खतरे की घंटी जो मैं बजाना चाहता हूं, यू मस्ट बी अलार्म ऑन इट। अगर आप रूहुल कुद्स को नहीं लेंगे, मुमकिन है आप यीशु के बारे में गलत अंडरस्टैंड करें। खुदा का रूह ही हमें उसके भेद के काम बता सकता है। इंसान जो है कई मरतबा उसका तर्जमा गलत कर सकता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग रोंग दे सकता है, उसके बारे में गलत लीड कर सकता है। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, बाइबल बदल गया, आई एम टेलिंग यू, बाइबल बदल गया इसलिए यीशु को खुदा का बेटा कहा जाता है। बट रिमेंबर, इट इज सो पावरफुल। हम बाइबल को यू नहीं कहते, इसका जेर इधर है, अलिफ इधर है, बे इधर है एंड समथिंग लाइक दैट। ये वैसे ही है जैसे बे वहां पे था, यहां पे भी बे ऐसे ही है। इसको साबित करने के लिए हमें अली बे पे ते टे से नहीं जब पढ़ना पड़ता, इसे साबित रूहुल कुद्स करता है। जो हम दुआ करते हैं इस पर ईमान रख के वो पूरा होता है, अलिफ बे से पूरा नहीं होता। लिसन, कलाम को साबित करने के लिए जे जबर की जरूरत नहीं है, कलाम को साबित करने के लिए रूहुल कुद्स उतरा हुआ है जो अपने बाप की बात पर जुम्बश करता है और उसे पूरा करता है। This is what the angel is saying. यही बात फरिश्ता कह रहा है। वो कह रही कैसे, उसने ये नहीं कहा जो मैंने तुझे कहा इसका ना जेर बदलेगा, ना जरब, ना अलीफ, ना बे, ना ते, ना से, ना ये, ना वो। वो कहता है इसका अली बे ते तो बदल सकता है, लेकिन ये अटल बात है क्योंकि रूहुल कुद्स इसकी हिफाजत करेगा। वो नाजल होगा जो बात खुदा ने कही है, रूहुल कुद्स नाजल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो कलाम महफूज अलिफ बे से नहीं है, कलाम को महफूज करने वाला रूहुल कुद्स है जो मौजूद है, जो काम करता है। इसलिए मैंने कई लोगों को कहा कि अगर कोई ये बाइबल छीन भी ले
कुछ लोग पता है वो हिफाजत करने के लिए कत्ल कर देते हैं। अगर कलामे मुकद्दस कोई छीन भी ले तो रिमेंबर रूहुल को, ये ऐसा नहीं है उसने छीन लिया तो अब मैं पढ़ ही नहीं सकता, ओहो मैं तो भूल गया, हम बाइबल कहाँ से पढ़ेंगे, उन्होंने तो बाइबल छीन ली और बाइबल जला दी, अब हम कहाँ से पढ़ेंगे। बट रिमेंबर रूहुल कुछ के पास मुकाशफत स्टोर्ड है। रिमेंबर इन द बिगिनिंग इट हैपन्स, रूहुल कुछ हमें देता है। मैंने ऐसी गवाहियां सुनी है, एक भाई है वो मसीही नहीं था, वो कहने लगा कि मैं दुआओं को देखता था और एक दिन मैं सोया हुआ था और कह रहा है मुझे नहीं पता यीशु मसीह मेरे ख्वाब में आ गया और उन्होंने कहा मैं यीशु हूँ और मैं हैरान हो गया और रूहुल कुछ ने मुझे गैर जुबान दे दी और मैंने कहा मैंने बपतिस्मा लेना, उसने यीशु को कबूल कर लिया। ये मैंने नहीं किया, ना मैंने उसको बाइबल दी थी, यीशु ने खुद आके कर दिया। खुदा को कोई रोक नहीं सकता है, रूहुल कुछ को कोई रोक नहीं सकता है। रूहुल कुछ जो है वो ट्रू अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। इसलिए चर्च आखिरी दौर में काम करने के लिए, मुमकिन आप कहते हो हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है, हमें चैनल की ज़रूरत है, हमें सोशल मीडिया पर जाने की ज़रूरत है, हमें यूट्यूब पर छलांगे मारने की ज़रूरत है, हमें न्यूज़ चैनल पर आने की ज़रूरत है, हमें रेडियो पर जाने की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू टेल यू सबसे कीमती चीज़ होली स्पिरिट है। अगर आपकी ज़िंदगी में होली स्पिरिट है तो आप दुनिया में खुदा का काम तेज़ी से कर सकते। आमीन। इसलिए रूहुल कुछ जो है उसे आप कभी भी अपनी जिंदगी से माइनस नहीं कर सकते। वी नीड होली स्पिरिट, वी नीड होली स्पिरिट इन दिस सीजन, वी नीड। इनके सारे ट्रैवल में ये मैंने एक पिक्चर खींची, इट्स नॉट लाइक ये ही यूसुफ है, ये एक आपको फीचर दिया जा रहा है, ये यूसुफ है और ये मुकद्दसा राइट नाउ ये हामला है और वो उसको लेके जा रहा है। दुश्मन भी है, प्रॉब्लम भी है, लेकिन रूहुल कुछ उनके साथ साथ है और लिखा है कि वो तुझ पर नाजल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर। और वो सारी जर्नी के अंदर जहाँ पर भी जा रहे हैं वो दुश्मन से बच रहे हैं, उस वक्त बच्चे कत्ल भी किए जा रहे हैं, हेरोदीस कत्ल करा रहा है, लेकिन वो बच रहे हैं क्योंकि रूहुल कुछ उन्हें दुश्मन से बचा रहा है और उनको रास्ते दिखा रहा है। वी नीड द होली स्पिरिट। कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास बम भी है, पिस्तौले भी हैं, गोलाबारी भी है, हम सारे मसीहों को मारी क्यों नहीं देते, ए मर जाने मारी क्यों नहीं जाते, वधते ही जा रहे ने, सुपर पावर हो ही जा रहे ने, इसलिए हो ही जा रहे ने कि तुसी खुदा नहीं हो, खुदा खुदा है जेड़ा वधांदा है ते महफूज करदा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुछ लोगों को ये जुमला सुन के कचीची हो रही है, गुस्सा तो आए आप खुदा थोड़ी है, हमारा खुदा अजीम है। लोग कचीचियां, लोग सुन, लेकिन खुदा हमारा अजीम है जो हमें बचाता और फैलाता और खिलाता है और बढ़ाता है कि हम यीशु की मुनादी करें। आमीन। यीशु मेरे, यीशु को मैं पहने हूं मुझ में वो, रूहुल कुछ हमारी रहनुमाई करता है। Where we have to go and where we have to pray, हमें कहाँ जाना और क्या कलाम करना है, हमें रूहुल कुद्स बताता है, वो हमें जवाब देना सिखाता है, हमें जवाब देना आता है। कहाँ से? रूहुल कुद्स के वसीला से, रूहुल कुद्स के वसीला से। और आप हैरान होंगे, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं दुनियावी तौर पर, उनके पास कोई डिग्री नहीं और वो जब मजबे पे आते हैं फर पर गैर जुबानें बोलते हैं और नबूवतें करते हैं और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो साइंसदानों को भी नहीं पता और लोग हैरान हो जाते हैं। मैंने एक खातून ऐसी भी रूहानी देखी जिसकी आंखें बंद थी और उसे कुछ नज़र नहीं आता था, लेकिन वो दुनिया की आने वाली बातें बताती थी क्योंकि खुदा का रूह उसमें था। एंड यू रिमेंबर, रूहुल कुद्स को किसी भी दुनियावी इल्म और आंखों की जरूरत नहीं है। रूहुल कुद्स चाहे तो वो आपको दुनिया के आने वाली बातें भी बता सकता है, क्योंकि रूहुल कुद्स जो है वो सब कुछ जानता है और उसके पास कुल इल्म है और कुल भेद है, क्योंकि वो खुदा का रूह है। आमीन। और ये हम जादू से नहीं जानते, ये हम चिल्ला करके नहीं जानते हैं, ये रूहुल कुद्स बताता है। और मुझे याद है एक दफ़ा एक बहन आई, वो कहने लगी मेरी बेटी गायब हो गई है और मुझे नहीं पता, उसके साथ बेटे भी आए, वो बहुत रो रहे थे, वो कहने लगी पार्लर का काम करते, ये उसकी तस्वीर है, दुआ करें। जब मैं दुआ कर रहा था, खुदा ने कहा ये सामने निब बैंक है, इसके पास रात 8 बजे के करीब जाएँ, उसको कुछ जो है लोग वो ले कर गुजरेंगे। मैंने उन्हें कहा वहाँ जाएँ और ऐसा होगा, और ठीक 8 बजे वहाँ पर पहुँचे हुए थे, उन्होंने अपनी लड़की जो है वो बरामद कर ली और वो पकड़ी गई वहाँ से, खुदा ने उसे महफूज कर लिया। This is God. और ये हमने किसी जादू से या इल्म से नहीं, होली स्पिरिट, रूहुल कुछ मदद करता है, रूहुल कुछ मदद करता है। अभी हम जुम्मे को, ये आखिरी जुम्मा है 23 को 6 बजे, हम लोग उन जोड़ों के लिए दुआ करें जिनके पास औलाद नहीं है
और मेरी ये दुआ के 2023 में बच्चे ही बच्चे हों, लोग गवाही दें मेरी बेटी हुई है, मेरा बेटा हुआ है, मेरी बेटी हुई है, मेरे बेटा हुआ है, मेरी बेटी हुई है, मेरे बेटा, और लोगों के पास गवाहियाँ ही गवाहियाँ हों। और ऐसा होगा 2023 में इस चर्च में खुदा ये बरकत देगा और बच्चे ही बच्चे होंगे कि खुदा बच्चों की बरकत दे और कोई भी भांज ना रहे और खुदा उन्हें फलदर करे। इस सीज़न में हम इसलिए दुआ कर रहे हैं कि खुदा ने कवारी के लिए मौजा किया है तो खुदा भांज के घर को भी बसा सकता है, वो इम्पॉसिबिलिटी को पॉसिबिलिटी में बदल सकता है। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग, इनविजिबल गॉड, वो खुदा जो कभी नजर नहीं आया था वो यीशु के वसीला से नजर आया है। वो काम जो मुमकिन नहीं था 2022 में, मेरी ये दुआ है 2023 में वो मुमकिन होगा। इट विल बी पॉसिबल इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। आमीन। क्रिसमस का सबसे बड़ा तोहफा ये है, जो हो नहीं सकता था वो हुआ है। अगर वो हो सकता है जो हो नहीं सकता था, तो मेरी जिंदगी में वो भी हो सकता है जो नहीं मुमकिन है, क्योंकि वही खुदा मेरे साथ है। आमीन। जो इम्पॉसिबिलिटी से निकला है। सो होली स्पिरिट इज आवर स्ट्रेंथ। रूहुल कुछ हमारी कुवत है, रूहुल कुछ हमारी कुवत है। आमीन। रूहुल कुछ हमारी कुवत है, इसलिए हमें रूहुल कुछ की जरूरत है। हालेलुया। यीशु, मुझे तुझे समझने के लिए रूहुल कुछ की जरूरत है। इससे पहले कि मैं और मुकाशवाद बोल, आई नीड होली स्पिरिट। मैं प्रीच करूं, आई नीड होली स्पिरिट। मैं कलाम करूं, प्रस्तुति करूं, दुआ करूं, आई नीड होली स्पिरिट। अपनी जिंदगी में मुझे होली स्पिरिट की जरूरत है। और बहुत सारी माएं जिन्होंने बड़े बड़े नबियों को जन्म दिया, वो रूहुल कुछ से भरपूर थे। यहां पर देखे लिशबा, जकरिया होली स्पिरिट, मरियम होली स्पिरिट, यूसुफ होली स्पिरिट, उनको खुदा के फरिश्ते बता रहे होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। किस तरफ उनको पॉइंट दे रहे? रूहुल कुद्स, रूहुल कुद्स, रूहुल कुद्स, रूहुल कुद्स, रूहुल कुद्स। और जब तक आप रूहुल कुद्स की मामूरी में रहेंगे, अजीब कामों को होते हुए देखेंगे, अजीब कामों को, अजीब कामों को। इसलिए खुदा के रूह को अपनी जिंदगी, और ये देखें, ये खुदा का रूह जो है वो सिर्फ मरियम के लिए नहीं था। उसने कहा मैं आखिरी दौर में हर बशर पर नाजिल करूं। यू नीड होली स्पिरिट ताकि हम इस आखिरी वक्त में अजीब जाए। और मेरी ये दुआ है 2023 में हम खुदावंद यीशु के नाम में अजीब अजीब काम करें। अजीब अजीब काम से मुराद ये नहीं दुवारों के ऊपर चलें, अजीब अजीब कामों से मुराद ये है वो काम जो नामुमकिन है हम यीशु के नाम से कर सकेंगे। जो आपकी जिंदगी में इम्पॉसिबल पॉइंट है उसे याद करना शुरू करें, इसी वक्त इसी इबादत में इसी जुमलों में याद करें जो आपकी जिंदगी में नामुमकिन काम है, नामुमकिन। और यीशु मसीह की पैदाइश को देखें, ये नामुमकिन था, खुदा ने किया। और खुदा आपको बताना चाहता है कि मैंने नामुमकिन रास्तों से मुमकिन काम किए हैं, मैं वही खुदा हूं और मैं तुम्हारे लिए भी मुमकिन करूंगा। ही विल मेक इट, ही विल मेक इट। ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा, तेरे रूह से हो जाएगा। और रिमेंबर, हमें यीशु के लहू से धुलने की ज़रूरत है ताकि पाक रूह हमारी ज़िंदगी पर ठहर जाए और हम खुदा के रूह से भर जाए, रूह से भर जाए, रूह से भर जाए, रूह से भर जाए, रूह से भर जाए। और हमें उसके रूह की ज़रूरत है। वी नीड इट। तख्लीक के हर काम में हमें रूहुल कुद्स मौजूद नज़र आता है। जब जमीन वीरान सुनसान और गिराव के ऊपर और खुदा की रूह जुम्बश करते थे, देर इज द होली स्पिरिट। कोई चीज भी रूहुल कुद्स के बगैर चल नहीं सकती है। स्पिरिचुअलिटी में, रूहानी दुनिया में, वी नीड होली स्पिरिट। हमें रूहुल कुद्स की जरूरत है कि हम खुदा में आगे बढ़ सकें और तरक्की कर सकें और उसमें मामूर होते जाएं और खुदा के मुकाशफा तक पहुंचें और उसकी नेमतों से भरते चले जाएं। आमीन। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.